पलवल जिले के चांधर थाना क्षेत्र के अंतर्गत घर से बुलाकर करीब 25 वर्षीय दीपक की हत्या से हड़कंप मच गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। मोर्चरी पर खड़े परिजन गम के अवस्था में हैं। दबी जबान में उन्होंने कहा है कि अज्ञात लोगों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अस्पताल परिसर में खड़े चांधर थाना के पंच मनोज कुमार ने कहा है कि गांव के रहने वाले दीपक खेतीबाड़ी का काम करता था। उसे बीती रात करीब 10 बजे घर से कुछ लोगों ने बुलाया, जिसके बाद सुबह दीपक का शव करीब 1 किलोमीटर दूर मिला। दीपक के सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस टीम ने मामले की गंभीरता से जाँच शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मैं मनोज, मेंबर चांस। मनोज जी, क्या वारदात हुई है, क्या मामला है? मामला ये है, रात के 10 बजे तक तो घर हुआ, के बाद में घर से कोई बैठा है वो है जिनके अपने आप को फोन भी बुलाया होगा इन्हें, सुबह लाश मिली हुआ कि 2-3 गोली सर में लग रही है। क्या नाम है जिसकी वारदात में जिसकी मौत हुई है? दीपक सनोपरेश। कितनी उम्र है? 24 साल। तो घर से बुला के कुछ लोग ले गए थे? हाँ, ये बुला के ले गए या कभी फ़ोन पर बुलाए हों। तो कोई पुरानी रंजिश थी? नहीं, रंजिश का तो हमें अभी पता नहीं लगा है, जिस आयु बताएगा कि क्या मामला है। फिर शव कहाँ मिला है? सब घर से 1 किलोमीटर दूर मिला है रोड पे। किस टाइम? सुबह कभी 5-6 बजे करीब।